दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक अनार पे है। ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आप देख सकते हो कि जो पतली सी टहनी थी, जो टहनी कभी इतनी पतली थी, वो अब इतनी मोटी हो चुकी है, तकरीबन मेरे फिंगर के बराबर होने वाली है। और हमने ना यहाँ से काटी थी, ये देखो यहाँ जो काटी थी ना उससे ज़्यादा मोटी हो गया। लेकिन वो टहनी पहले मोटी थी, मैंने नई टहनी रखी थी। और अब आपने ये करना है कि अगर कोई ऐसी शूट निकली हो तो इसको ख़त्म कर देना, इस पर एक दफ़ा हाथ फेर दो या कुछ फेर दो। मेरे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ से भी निकल रही है, ये देख लो ये निकल रही है, तो इसको भी ख़त्म कर देना है। तो नीचे से कोई शूट नहीं निकल रही है, इसके ऊपर गुले दाऊद ही आ गया सारा। जब भी मैं इसको छेड़ नहीं रहा, मैं कहता हूँ इसको फ्लावरिंग आ जाए फिर देखूँगा। अच्छा ये देखो, अगर ना आप ना क्या हो रहा है, अब सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, जो नीचे से ग्रोथ निकल रही है इसको निकलने देना है। इसको ये हमें चाहिए क्योंकि मैंने खला को पूरा करना है। इसको इससे नीचे जो निकलेगी वो मुझे नहीं चाहिए। ये देखो मोटी मोटी हो गई टहनियाँ, जो हमने ना दो दो करके रखी थी, चार चार करके रखी थी, मोटी हो गई। यहाँ से भी एक निकल रही है, इसको रखे रखना है। यहाँ से जो बढ़ रही हैं इधर से और इधर से, इनको फ़िलहाल बढ़ने दो। लेकिन ऊपर जो जा रही है ना, इसको बिल्कुल भी ना बढ़ने दो ऊपर, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा हाइट इसकी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देखो ये कितनी एक संग एक टहनी निकली थी, वो मेन ट्रैक बन गया। मैं यही स्टेज कह रहा था आपको कि जब सब टहनी इस स्टेज में आ जाएंगी ना, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। अब ये वही टहनी मैं रखूँगा, लेकिन इसको इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। इससे ऊपर जो भी चीज़ उगेगी ना, जैसे ये देखो ये उग रही है, इसको अब नहीं रखना, हमने बिल्कुल एंड तक काट देना है, इसको खींच दो। ये देखो ये भी उग रही है ऊपर, अब ज़्यादा बढ़ाएगा ये अपनी ताकत, ऊपर इसको बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। देख रहे हो ये तो मैं तोड़ के फेंकी है ना, देखो यहाँ से ही बढ़ा रहा है ये, तो इसको भी मैं ऊपर से बिल्कुल नहीं पढ़ने लूँगा, ऊपर से बिल्कुल खाली कर देना आपने। इसके अंदर झुमका आ गई है, हर चीज़ को पकड़ लेती है झुमका, तो इसको भी निकाल देते हैं झुमका को भी। झुमका कहते हैं पर मुझे जगह दे दो, क्यों मैं ये देखो ये झुमका आ गई थी, झुमका भी मेरी फुल फ्लावरिंग से भरी पड़ी है। इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको इसकी कम्प्लीट केयर के बारे में बताऊँगा। ये फुल भरी पड़ी है, ये अभी ब्लूम होंगे तो फिर कोई कोई ब्लूम हो भी गए हैं। लेकिन खैर टॉपिक यही था कि जो चीज़ यहाँ से उग रही है और यहाँ से उग रही है उसको उगने देना। अब आपका एक किस्म का स्ट्रक्चर रेडी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये ऊपर है ना, ज़्यादा ऊपर जाना जाता है, इसको ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना। एक टाइम आएगा कि ये फैलना शुरू कर देगा, तो उस टाइम कि हमें वेट करना है। जैसे कि ये अब यहाँ से जब इसको ऊपर ग्रोथ नहीं मिलेगी ना, तो फिर यहाँ से ग्रोथ निकालेगा, ये पूरा राउंडेड चक्कर बन जाएगा, जो मैं हिला के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि पीछे ग्रेप वाइन है तो आपको सही से दिखेगा नहीं। जो एक डी शेप प्लांट है उसका हमने ट्री की शेप दे दी है, तो हमने ये वाली जगह फिल करनी है, इसकी ये वाली जगह फिल करनी है। तो यहाँ से जो टहनी निकली उसको निकलने देना, ऊपर से आप कुछ नहीं करना, ऊपर से अब इसको ऐसे बनाना है, देख रहे हो इसको ऐसे, और यहाँ वाली मेन स्ट्रक्चर वाली टहनियों का हमने रखना है। तो यही थी फिलहाल तक की अपडेट, फिर देखते हैं कि इस पर फ्लावरिंग कब तक होती है। मेरे ख्याल में इसमें बाहर में होगी फ्लावरिंग, अगर मैं इसको छोड़ूंगा प्रून करना तो फिर इस पर फ्लावरिंग होगी, अभी नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर इसकी शेप बन जाए। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।